आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। अलीगढ़ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वावधान में परम पूज्य पत्रकार स्व गणेश शंकर विद्यार्थी पाकुन की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए ध्वजारोहण किया गया। जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र राघव ने जनपदवासियों को आजादी की 76वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लेते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए संसाधन जुटाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और समेकित कोशिशों से ही समाज में परिवर्तन आता है। वरिष्ठ पत्रकार आरपी शर्मा ने कहा कि आजादी के आंदोलन के समय जिस प्रकार के बलिदान और खून देने की मांग थी, अब परिस्थितियां वैसी नहीं है। अब हम सभी आजाद भारत में हैं और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आवश्यकता है कि समाज का हर तबका अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और प्रतिभा का उपयोग करे ताकि हमारा देश जल्द से जल्द विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो, नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। प्रदेश अनुशासन समिति के चेयरमैन मुशीर अहमद खान ने स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के सपनों को याद किया कि कैसे इन महापुरुषों ने जागती आंखों से भारत को विश्व का नेतृत्व करते हुए देखा था। उन्होंने आपसी विषमताओं, कटुताओं, आपातिक घटनाओं को तूल न देते हुए केवल भारत विकास को केंद्र बिंदु में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन खुद को ही चुनौती दें, स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करें और अपना कीर्तिमान खुद ही तोड़ें। जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो निश्चित ही अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर सकेंगे। वरिष्ठ पत्रकार स्व गणेश शंकर विद्यार्थी को नमन कर उन्हें पत्रकारों द्वारा सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार नेशनल प्रेस क्लब के अध्यक्ष था धीरेन्द्र सिंह, मत्युजन्य शर्मा, अमित अग्रवाल, सत्यवीर सिंह यादव, पुष्पेंद्र सिंह, दीपक कश्यप, कमल सिंह मौर्य, राशिद नगमा राव, अनवर खान, विनीत गुप्ता, बबलू खान, फकरुद्दीन अहमद, नसीम अहमद, अहोराम सिंह, रॉकी औलो, हसीब भाई, विक्रम खान, आज तक था प्रकाश सिंह, पंकज शर्मा।